सुनो जी साहब अगर रोल। मैं सूबेदार परवीर सिंह नेशनल प्रधान सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मेंबर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन पत्रकार बंधु का इधर आप पीछे करो मैं आप पीछे करो अपने हृदय के माइक नहीं है तुम्हारे पास आप सबका तो सबके फ्रेम में धन्यवाद करता हूँ कि आप लंबे समय से जो हमारा ये मोर्चा चल रहा है 20 फरवरी से तब से आप लोगों ने इतना काम किया है कि हमारे दिल में आपकी जगह बन गई है। हम चाहते हैं आप लोग हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, हम रहें ना रहें फिर भी आपकी याद जो है वो हमारे पास रहेगी। दूसरी बात, कभी कभी हमें कई लोग और पत्रकार भी सवाल कर देते हैं कि जो बड़ा मीडिया है वो तो आया कोई नहीं। अरे भाई साहब, जो गोदी मीडिया है, जिसको नाम दिया गया है गोदी मीडिया, वो यहाँ किस लिए आएगा? आया है अभी अभी सामने 10 लड़के आए थे और 20 बड़ा मीडिया था, एबीपी, जी न्यूज, सब आया हुआ है। वो इसलिए आया होगा कि वो खुमाशीद होंगे जिनके पास वो आया होगा। किसके खुमाशीद होंगे ये आप जानते हो। भाजपा गवर्नमेंट सिर्फ मोदी जो चाहता है इसलिए आया होगा, तो हम उसकी तरफ नहीं जाते। हम आपको मानते हैं कि आप लोगों ने इतना हमारा साथ दिया है और हमारे लिए खून पसीना बहा दिया आप लोगों ने इतनी गर्मी में। आज पूरे हिंदुस्तान में सबका सैनिक जो है वो सचेत हो गए हैं। बेशक वो यहाँ जंतर मंतर पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जानकार हुए हैं तो वो सिर्फ सोशल मीडिया की बदौलत हुए हैं और किसी के बलबूते पर नहीं है। तो मैं आप लोगों का इसीलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि कल जो इतना बड़ा हमारा प्रोग्राम था, लाखों लोग आए हुए थे, हमारे सबका सैनिक जिनके लिए आप लोगों ने एक जगह नहीं घूम घूम कर उनसे संपर्क किया और बाइक लिया, यही आपकी बहुत बड़ी हम बड़ा एहसान मानते हैं। और पूरा जो कल का प्रोग्राम था वो हमारा सफल हुआ है। हम ऑल इंडिया से जो पूर्व सैनिक यहाँ पर पधारे थे, यूनियन आई थी, मैं अपनी तरफ से फेडरेशन की तरफ से हमारे प्रधान अर्जन सिंह राठौर साहब की तरफ से सभी पूर्व सैनिकों का और साथ ही मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। हाँ जी, मैं सूबेदार मेजर एसपी सिंह गोसल, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नैशनल एडवाइजर, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का सीनियर मीत प्रधान होने के नाते मैं पूरी फेडरेशन
दी लीडरशिप वालों पूरे मीडिया सोशल मीडिया जिन्होंने हमारे को कवरेज दिया है 20 फरवरी से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपके मीडिया के माध्यम से जो पूरे देश के सबका सैनिकों जागरूक किया है उसके विच बहुत ही वड्डा अनमुल्ला जिहड़ा योगदान तुसी निभाया है वड्डमुल्ला योगदान निभाया है क्योंकि जिहड़ा साडा 20 फरवरी तो जहां पर धरना लगा था 20 फरवरी में भी जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने शुरुआत किया था उसका आप लोगों ने साथ दिया, पूरे देश के सबका सैनिकों ने साथ दिया, बहुत बड़ा कट हुआ था। अभी जो मोर्चा हमने जबकि फेडरेशन के हवाले कर दिया है, 9 अप्रैल से फेडरेशन बनी, उसके बाद 31 मई से हमने हैंड ओवर कर दिया और फेडरेशन के हैंड करने के बाद भी सबका सैनिक जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को जो योगदान पाया था उससे भी 10 गुना ज्यादा कल 23 जुलाई वाली रैली दे विच योगदान पाया, जिहदे वास्ते असी पूरे देश के सबका सैनिकों वीर नारियों तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी गर्मी के मौसम भी तुसी अपना पसीना बहा के जहां तक पहुंचे हो, लेकिन इस बात की हम समा चाहते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक महीने से पहले से ही प्लान था 23 जुलाई का। इस बात का हमारे सबका सैनिकों के मन रोष है पोलिटिकल पार्टियां के अगेंस्ट, नॉट ओनली बीजेपी कांग्रेस इंक्लूडिंग, जिन्होंने हमारे पैरेलल कल का प्रोग्राम किया है। और इसका हमारे को खदशा है कि जैसे हरेक पॉलिटिकल पार्टी में एक्सएसमैन विंग है, उस विंग के जेड़े इंचार्ज है अधिकारी होंगे है, सानू खदशा है कि जेड़ा कल का प्रोग्राम है प्री प्लान योजनाबंद तरीके से हमारे अधिकारियों ने यह रखा, राहुल गांधी के नारे लगाए जबकि राहुल गांधी जहां आया भी नहीं। और जो हमारे विरोधी हैं या कुछ सोशल मीडिया ने भी ये प्रचार किया कि ये जो धरना कांग्रेस का था सबका सैनिकों नहीं है, मैं उस सोशल मीडिया को उन एजेंसियों या वो जो विरोधी भाई के हमारे ही भाई हैं गुमराह हुए हैं, मिसगाइडेड हैं, किसी लालच में आके अपने ही जसियों जवानों के संघर्ष के पिट सुरा मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मैं चेतावनी दिता है और जेडे एका की गल करते हैं कि हम कट्ठे हुए, कभी भी समुद्र जो है अभी फेडरेशन है एक समुद्र बन चुकी है, 130 जथेबंदियों ने आरआरडी सानू सपोर्ट दिती सी और कल जो है 23 जुलाई को कम से कम 50 से ज्यादा जड़िया जथेबंदियों ने सानू सपोर्ट दिती है, समर्थन लैटर दिया है। अभी फेडरेशन एक समुद्र बन चुकी है, समुद्र कभी नदी में नहीं जाता है, नदी समुद्र में आती है। अभी जो नदी बच गई है इस समुद्र में आने, समुद्र में तो एक दिन आना ही पड़ेगा नदी को, कब तक बांध बना के रखेंगे? इसलिए वो छोटी छोटी जो नदियां हैं नाले हैं उनको हमारी अपील है, अगर तुसी वाकई जेसीओ जवानों के हकी मंगों के लिए संघर्ष कर रहे हो आओ इकट्ठे होके एक झंडे के नीचे संघर्ष करें। और अलग अलग से जो प्रोग्राम लीक रहे हो जैसे 6 अगस्त का पहले 12 मार्च का लीका था, फिर आप बोल रहे हो कि जेसीओ जवान हम इकट्ठे हों जबकि एक साइड में समुंदर है एक साइड में नदियां नाले हैं 2-3, उनको हमारी अपील है अभी भी आप सुधरो, जेसीओ जवानों के साथ मिलो, अपने हक लेने हैं, ना कि सरकारी एजेंसियां या अफसरों के पिट्ठू बन के इस संघर्ष के पिट के सुरा मारने की कोशिश करो। ये संघर्ष बार बार नहीं होंगे, इतिहास गवाह है, कोई भी संघर्ष होए है भाए आजादी का संघर्ष होया, किन्ने के लोग तुरे सके शहीद भगत सिंह ना राजगुरु सुखदेव ना, फिर भी देश आजाद हुआ। हमारे को इस बात का कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलानी कि हमारे साथ कम है, हम 28 लाख सबका सैनिक है जहां पर 50,000 ही पहुंचे हैं, नहीं, हम पॉजिटिव रहना है, भाए 50,000 है या 1 लाख है, क्योंकि संघर्ष में हमेशा 100% कोई भी सोसाइटी किसानी संघर्ष हुआ था उसमें भी 2-3% ही किसानों ने हिस्सा लिया था और सबके लिए अपनी जमीने अपने वो 3 काले कानून रद्द करवाए, फायदा सबको हुआ। इसी में इस संघर्ष में भी जो संघर्षशील योद्धे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं,
हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे को उम्मीद है आने वाले समय के इस तो भी ज्यादा जरा साबका सैनिक सोशल मीडिया के थ्रू जागरूक होकर हमारे समर्थन में आएंगे। रही बात पैसे की, हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता। आरोप लग रहे हैं कि कल 30,000 आदमी आया, 100-100 बंदा एक ने दिया होगा तो 30 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। अभी उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग जो 6 अगस्त की रैली कर रहे हो, 1 लाख बंदा इकट्ठा करने की प्रचार कर रहे हो, तो क्या वो 1 लाख बंदा इसलिए इकट्ठा कर रहे हो पैसा इकट्ठा करने के लिए? तो आपको भी तो फिर 1 लाख या 100-100 देगा तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। कोई भी संघर्ष चलते हैं, आज तक जब तक साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने मोर्चा चलाया, कभी किसी को अकाउंट नंबर नहीं दिया, कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, स्टेज के ऊपर अनाउंस नहीं किया, लेकिन वॉलंटियर तौर पर जो पैसा दिया है उनको प्रॉपर रसीद दिया गया। उसके बाद 31 मई की बात फेडरेशन के बाद है, फेडरेशन के पास साबका है, जो साबका सैनिक के पास पैसा आया हमने पहले से अनाउंस किया हुआ था, जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पास पैसा है एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब किताब दिया जाएगा फेडरेशन को। फेडरेशन रजिस्ट्रेशन होने जा रही है, जैसे ही फेडरेशन रजिस्ट्रेशन हो जाती है एक एक पाई का जरा पैसे का हिसाब किताब दिया जाएगा। दूसरा, हमारे ऊपर ये भी ब्लेम लगे कि साबका सैनिक फेडरेशन को हैंड ओवर करके भाग जाएगी, पंजाब दे पंजाब वाले ने मोर्चा शुरू किया पंजाब वाले भाग जाएंगे, ना तो पंजाब वाले भागे, ना संघर्ष कमेटी भागी, ना पैसा लेके भागे। पैसा भी जहां है और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी भी जहां है। जैसे हमने शुरुआत किया, हमने प्रण किया था, हमारे मिस्टर मोहन रंजन चेन्नई वाले जेएसयू जवान वेटरन एसोसिएशन वाले 10 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं मोटे ना मोटा जोड़ के, हमारे जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल, हमारे स्पोक्स पर्सन मिस्टर नलन तलवार, हमारे बापू प्रगट सिंह जी जेडे साडे नेशनल प्रधान ने, साड़ी हमेशा शुरू से यही सोच सी गई कि एक दिन हमने सांझा मोर्चा बनाना है, फेडरेशन बनानी है। वो सपना हमारा पूरा हुआ है आज, और उस सपने को हम लेके चल रहे हैं। मकसद नहीं है कि सरकार हमारी मांगे मानती है या नहीं मानती, सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है आज हमने अधिकारियों से टेबल मंच और माइक छीना है। सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, आगे संघर्ष हमेशा लंबे चलते हैं। किसानी संघर्ष भी देखा होगा, हमारे को इस बात की चिंता नहीं है कि कल हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया सरकार हमारी बात सुनने नहीं आई। हमने कभी भी साबका सैनिका ने मोर्चे तो पीछे नहीं हटे, पायो दुश्मन देश का मोर्चा है, हमारे देश संवैधानिक तरीके ने हम सरकारों से मांग कर रहे हैं। हम सरकारों के दोषी नहीं है, हम सरकारों के दुश्मन नहीं है, हमने चुनी हुई सरकारें हैं। कुछ लोग हमारे ऊपर भी पॉइंट कर रहे हैं कि कल कांग्रेस का धरना था, जब 15 में कांग्रेस की सरकार की तब भी हम धरने में बैठे थे, लेकिन उस टाइम हमारी बागडोर हमारे अधिकारियों के हाथ में थी, संख्या बल उनके साथ था, इसलिए उसका मिस यूज हुआ। अधिकारियों ने सरकारों के साथ मिली भुगत करके खुद बेनिफिट लिए, जिसके रोष वजह आज देश साढ़े जेसीओ जवानों सड़कों के बैन से मजबूर होना पाया। यदा दोष असी अपने अधिकारियों नूं और सरकारों नूं दिंदे हैं, भावें वह कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है। ठीक है, बीजेपी सरकार ने सानू वादा कंसेशन दिया, पैसा भी अलॉट किया 42,000 करोड़ 23,000 करोड़, लेकिन वो पैसा गया कहां, बंदरबाट हुई है। जिन अधिकारियों को बंदर को पैसे मिलना नहीं चाहिए था उनको मिला, और जिनको मिलना चाहिए था जो प्री में चला जाते हैं 16-17 साल की सर्विस में, जो हमारे वीर नारियां जेडे कम एज में शहीद हो जाते हैं, जैसे कारगिल से आप देखा होगा 5-7 साल 8-9 साल वाली सर्विस वाले ज्यादा शहीद होए, वो शहीद परिवारों जेडे साडे रिजर्विस्ट जिन्होंने 3-3 लड़ाइया लड़िया ने, उन्होंने RP1 के ना फायदा होया ना हुण होया, प्री मैचर वाले ने होया, जेसीओ रैंकर ने होया, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन ने होया, शहीद परिवारों ने होया, लेकिन वो पैसा गया कहां? यही तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं। हमारी मांग इक्वल MSP, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल पे फैक्टर, और जेडी ORP विसंगतियां हुई है उन्होंने पूरा करना है। सारिया मांगा मिला के असी साड़ी हुण एक ही मांग है कि 3 जजों की रिटायर्ड जजा की कमेटी बनाई जाए, समाबद्ध किया जाए, 3 महीने के रिपोर्ट सौंपे, हम भी अपना पक्ष रखें, अधिकारी भी अपना पक्ष रखें, अगर उनकी पेंशन में कहीं कमी रह गई है तो वो भी अपना पक्ष रखें।
वो जो कमेटी ये निर्णय लेगी कि वाकई जिस जवानों के डिस्क्रिमिनेशन हुई है अनजस्टिस हुई है वो कमेटी रिपोर्ट सौंपे सरकार नू और सरकार आगे निर्णय ले उसके लिए 3 महीने का इतनी हमारी मांग है। लेकिन कल इतना बड़ा कष्ट करने के बावजूद भी जबकि संसद का मौका था लेकिन जो लीडर्स अपने बड़ी अपनी सूझबूझ दिखाते हुए क्योंकि हमारे को संसद मार्च का परमिशन नहीं मिला लेकिन जो पब्लिक आई थी गांव से दूर दराज से वो इसी प्लानिंग के साथ आई थी कि हम संसद मार्च करेंगे लेकिन परमिशन ना मिलने की वजह से हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते इसलिए हमने संसद मार्च नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ साथी जिन्होंने मना दे ज्यादा रोष सीगा उन्होंने कोशिश किया मार्च करने की वहां पर प्रशासन द्वारा रोका गया बिल्कुल किसी अनहोनी घटना से बचते हुए साडे लीडर से पते वधिया तरीके दल डीली किया और जो वहां पर ही कहानी खत्म हुआ और एक सरकार को चैलेंज दिया कि अभी तो हमारी एक अंगड़ाई है अभी एक ट्रेलर है अगर जरूरत पड़ी तो हमारे को संसद मार्च भी करना ग्राओ नहीं। आज तक जब से देश आजाद हुआ है संसद का ग्राओ नहीं हुआ हम भी नहीं करना चाहते लेकिन रोज मार्च करेंगे संसद की तरफ अगर इसकी जिम्मेवार सरकार होएगी। अगर सीमा बंद समय दे विच सानू ना बुलाया गया साडी मांग ना मनी गई तो आने वाले समय दे विच साडी जो फेडरेशन है कोई बड़ा कोर्स एक्शन भी लिख सकती है उसका मैं अभी फेडरेशन में मीटिंग के बाद ही हम बताएंगे। लेकिन मैं साफ कह सकता नेशनल लीडर होने के नाते ये मैं दसना चाहता ये भी एक्शन हम ले सकते हैं कि पूरा बात जम कर देंगे संवैधानिक तरीके ना। इस करके सरकार नू साडी ये अपील है कि जल्दी तो जल्दी साडे साबका सैनिकां दी मंग वल ध्यान दिता जाए। दूसरा जो मीडिया की बात कर रहे हो एक बने कांग्रेस बीजेपी वाले या होर भी जिन्नी पोलीटिकल पार्टियां ने अपने आप नू देशभक्त कहिंदियां ने और मीडिया भी कहिंदा कि असीं देशभक्त है और एक बने कांग्रेस का 200 बंदा बैठा हुआ था और उनको पूरा मीडिया में दिखाया गया टीवी चैनलों पर दिखाया गया क्या कांग्रेस या पॉलिटिकल लीडर ही देशभक्त है? यहाँ पर जो लाखों की संख्या में हमारे साबका सैनिक आए थे वो क्या है? वो देशद्रोही है, अपने हक मांग रहे हैं, संवैधानिक तरीके ना मांग रहे हैं, 20 फरवरी से बैठे हैं, उनको क्यों नहीं मीडिया ने कवर किया? बड़ा रोष है हमारे साबका सैनिका ने मना दे क्या एक 200-250 बंदा आके बैठा है उनको कवर ही दे रहे हो तुम और जहां पर लाखों की तादाद में हमारे साबका सैनिक आए हैं किसी भी एक चैनल ने नेशनल चैनल ने हमारे को कवर नहीं किया। बहुत रोष है हमारे मनों में कि ये ही हमारी देशभक्ति है। खाली तुसी कोई शहीद की डेड बॉडी आती है वहां पर जाके एक दिन के लिए रोष प्रकट करते हो वो खाली एक विखावा है। कल हमारे को साबित हो गया है कहीं जो साबका सैनिक हमारे बच्चे कीर्ति चक्र आए हुए हैं जीते जी जिन्होंने कीर्ति चक्र सबसे बड़ा जड़ा युद्ध मेडल है वो भी आए हैं और भी हैं बहुत कल जो आए थे सूर्या चक्रा कीर्ति चक्रा सेना मेडल वो क्या है? वो देशभक्त नहीं है? ये पॉलिटिकल पार्टियां के लीडर ही ज्यादा देशभक्त है जो सारे देश को बेच के खा रहे हैं। ये हमारी गुजारिश है आपके सोशल मीडिया से हम फिर दोबारा बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी मीडिया नेशनल मीडिया ने भाई नहीं कवरेज किया हमारे को लेकिन आप लोगों की पावर शक्ति की वजह से आज हम एक हुए हैं। सर पूर्व सैनिकों को भी धन्यवाद बनता है जिस तरह से आप